आज आप मेरे साथ सीखेंगे गुलाब जामुन बनाना, वो भी मावा के। बिल्कुल ही परफेक्ट, बिना कोई क्रैक के, अंदर तक सॉफ्ट पके हुए गुलाब जामुन। एक एक स्टेप अच्छे से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आप भी घर पर बना सकते हैं एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन। तो स्वागत है आपका टेस्ट विद सुमन में, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम मावा, 200 ग्राम पनीर, 10 से 12 इलायची, 3 कप चीनी, 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू, 3 से 4 चम्मच मैदा ले लिया है और देसी घी ले लेंगे। सबसे पहले गुलाब जामुन की चाशनी बनाएंगे, उसके लिए भगोना में 4 कप पानी ले लिया है मैंने, फिर उसमें डालेंगे 3 कप चीनी और अब हाई फ्लेम पर चीनी को डिसॉल्व होने देंगे। चीनी को पकाते टाइम 3 से 4 बार ऐसे चलाते रहे बीच बीच में। अब आप देखेंगे कि चीनी डिसॉल्व हो गया है, तो अब हम चाशनी में थोड़ा सा केसर डाल देंगे और 3 से 4 इलायची को ऐसे कूटकर इसमें ऐड कर देंगे। इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बॉयल पर लाकर पकाना है। चाशनी को सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल कर ले बस। चाशनी हमें वाटरी फॉर्म में चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आपके गुलाब जामुन चाशनी को सोक नहीं कर पाएंगे, पी नहीं पाएंगे। जैसे ही 2 मिनट हो जाए गैस को बंद कर देंगे। आप एक बॉल में निकालकर चाशनी चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से वाटरी और चिपचिपाहट जैसी बनी हो चाशनी, मतलब आपकी उंगली चाशनी में ज़्यादा चिपके ना। अब चलते हैं गुलाब जामुन के लिए डो तैयार करने। तो एक बड़ी सी परात में पनीर लेंगे और इसे तोड़ के अच्छे से मल लेना है। अपने हाथ के नीचे वाले एरिया से इस तरह से मल लेंगे पनीर को, बिल्कुल ही सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर बना लेंगे। फिर मावा को भी तोड़ ले और इसे भी पनीर के साथ मिक्स करते हुए मल लेंगे अच्छे से। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट हो गया है और मावा पनीर भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं एक साथ। अब पनीर और मावे के मिक्सचर पर मैदे की बाइंडिंग करेंगे। मैं यहाँ करीब 2 से 3 चम्मच के बराबर डाल रही हूँ मैदा। इससे क्या होगा ना कि मावा और पनीर के अंदर मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और फिर डो बनाने में भी आसानी होगी, मिक्सचर हाथ में चिपकेगा नहीं। पर ध्यान रखें 4 चम्मच से ज़्यादा मैदा नहीं डालना है। मैदे को मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसका डो बना लें। अब जैसा कि हमने इसमें मैदा ऐड किया है तो डो को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक कढ़ाई में देसी घी डाल देते हैं। तेल भी ऐड कर सकते हैं आप, पर मैं यहाँ देसी घी ही यूज़ करूँगी क्योंकि गुलाब जामुन बन रहे हैं ना, और भी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब इसके गोले बना लेते हैं। पहले एक बना के चेक कर लेते हैं। ज़्यादा बड़े रोल्स भी नहीं बनाने हैं क्योंकि चाशनी में इन्हें डुबाने के बाद गुलाब जामुन का साइज अपने आप बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ही स्मूथ और बिना कोई क्रैक्स के बननी चाहिए। अगर क्रैक्स दिख रहे हैं तो डो को आप फिर से मल लें। अब हम गुलाब जामुन के लिए स्टफिंग बनाएंगे। एक बॉल में मैंने 8 से 10 बादाम और काजू को बारीक काट के रख लिए हैं। फिर उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और इसमें से बिल्कुल ही थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। स्टफिंग तैयार हो गई है। घी भी गर्म हो गया है। घी को ज़्यादा नहीं, मीडियम गर्म करना है बस। चेक करने के लिए छोटा सा डो डाल के देखते हैं घी में। डो अच्छे से तल रहा है घी में, ऐसे ऊपर उठ के आ रहा है, तो इसका मतलब घी गर्म हो गया है।
अब हमने बिना जो स्टफिंग वाला रोल बनाया था ना, उसे तेल में फ्राई करके देखते हैं कि डो हमारा कैसा बना है। तो अगर आपके डो में बबल्स दिख रहे हैं या क्रैक दिख रहा है, तो मतलब आपका डो परफेक्ट नहीं बना है। उसमें थोड़ा और मैदा ऐड करिए और डो को अच्छे से मल लें। लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, ध्यान रखें। ये देखिए, मेरा तो गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनकर निकला है, यानी कि मेरा डो भी सही बना है। अब इसे निकाल लेते हैं और अब मैं चलती हूँ स्टफिंग वाले रोल्स तैयार करने। इस तरह से हाथ पर रख के डो को प्रेस करेगी और इसको फैला लेगी। फिर थोड़ा सा स्टफिंग इसमें ऐड करेगी। और अब इसको बंद कर देगी। बिना स्टफिंग के भी गुलाब जामुन बन सकता है, लेकिन स्टफिंग डालकर गुलाब जामुन का अंदर से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इस तरह से रोल करेगी। इसी तरह से सारे गोले तैयार कर लेते हैं। अब हम चलेंगे इन्हें तलने के प्रोसेस में। तो घी या तेल जो भी आप यूज करेंगे, ध्यान रखें कि वो मीडियम हॉट ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, और गुलाब जामुन को फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो पर रखें। अब धीरे धीरे गुलाब जामुन को चला लेंगे। इसे कॉन्टिन्यूस चलाते रहना है। इसके दो रीज़न हैं। पहला कि गुलाब जामुन नीचे चिपकेगे नहीं सरफेस पे अगर आप ऐसे चलाते रहेंगे, अंदर तक पकेगे भी, और दूसरा गुलाब जामुन पर चारों तरफ से कलर बराबर आएगा। ये देखिए, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन का कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब गुलाब जामुन निकाल लेंगे घी से, और इसे निकालते ही इमीडिएटली आप चाशनी में डाल दें। चाशनी उबलती हुई नहीं होनी चाहिए, बस गर्म होनी चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन चाशनी पिएगा नहीं। गुलाब जामुन गरम गरम ही डालेंगे चाशनी में, क्योंकि अगर ये ठंडे हो गए तो गुलाब जामुन फिर चाशनी को सोख नहीं कर पाएगी। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि गुलाब जामुन कितने हल्के हैं, चाशनी पर फ्लोट कर रहे हैं ऊपर ही। आप इसे जब डिप करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये अंदर डूब जाएंगे। गुलाब जामुन को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए चाशनी में ही रहने दें, ताकि ये अच्छे से चाशनी पी जाए। तो देखा दोस्तों, बन गए ना बिल्कुल बाजार के हलवाई जैसे गुलाब जामुन। परफेक्ट शेप, परफेक्ट कलर आया है, स्मूथ भी है और अंदर तक चाशनी भरी है। आपको मैं कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी स्पंजी और सॉफ्ट बनी है ना। अब इस मिठाई को तो जरूर बनाना बनता ही है। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।